अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आई होप व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं वो है चिकन वाइट कढ़ाई की। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी होती है, बहुत ही नरम मुलायम सी और रेशमी सी। आपने इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है। चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ले लेना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने ऑनियंस डाल देनी है स्लाइस की हुई दो अदद। जी तो दो मैंने मीडियम साइज़ के ऑनियन ली थी, उनको स्लाइस करके इसमें शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है कि ये सोते हो जाएं। जी तो प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके साथ। जी तो प्याज अच्छे से सोते हो गई, यानी जितनी सॉफ्ट हमें चाहिए थी उतनी हो गई। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हरी मिर्चों का पेस्ट। 6 से 8 अदद आपने हरी मिर्ची लेनी है, उन्हें आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना और इसमें शामिल कर देना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर शामिल करना है वो हमने लेना है चिकन। चिकन हमने इसके अंदर शामिल किया तकरीबन हाफ के जी चिकन शामिल करेंगे इसमें। इसे पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर अब चेंज हो गया। अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। नमक आप शामिल कर दें तकरीबन 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा और धनिया, साबुत जीरा साबुत धनिया आपने मोटा मोटा कूट लेना और इसके अंदर शामिल कर देना है। दोनों आपने 1-1 टीस्पून शामिल करने हैं। इन स्पाइसिस को यानी इन मसालों को आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हमने इसके अंदर शामिल करना है वो है दही। दही तकरीबन आप ले लें 1/3 कप। 1/3 कप मैंने इसके अंदर दही शामिल किया। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना है, दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। जी दही शामिल करके हम इसके अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि जो है ऑयल सेपरेट हो जाए। जी तो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे पकने के लिए रख देना है ताकि चिकन गल जाए, क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, मैंने भी पानी ऐड नहीं किया। अब आप इसे कवर कर दो। कवर करके हमने इसे पकाना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स चिकन हमारा अच्छे से गल गया होगा और इसकी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई है। आपको दिखाते हैं। जी तो चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया और इसकी ग्रेवी भी बन गई है। अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है क्रीम। क्रीम आप इसके अंदर शामिल कर दें तकरीबन 6 टेबलस्पून। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप क्रीम इसमें यूज कर लें। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है तो आपने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर क्रीम को शामिल करेंगे तो ये क्रीम काफ़ी जल्दी जो है थिक होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जो ये कढ़ाई है वो नीचे से लग भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, लो फ्लेम पर क्रीम आप इसके अंदर शामिल करो, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये तो क्रीम हमने शामिल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे 1 से 2 मिनट के हमने पकाया है। अब आप इसके ऊपर जो है जिलियन कट में कटी हुई अदरक शामिल कर दें और 1 टीस्पून आप इसके ऊपर शामिल कर दें गरम मसाला। ये तो वाइट कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, इसको आप इजीली बना सकते हैं। तो आपने इस कढ़ाई को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया फेसबुक इंस्टाग्राम का, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।